नमस्कार प्रणाम गौर लगातानी भोजपुरिया जहान हम राउर छोट भाई अजीत मंडल कैसन मानी रउआ लोग अच्छा हो खब हम ये उम्मीद करतानी कामना करतानी रउआ लोग के एगो चीज़ बतावे जा रहा बनी कि हमारे एगो हरजाई गाना आयल रहे जरा काफ़ी रउआ लोग प्यार दुलार आशीर्वाद देनी जा लमसम तकरीबन 6 महीना पहले आयल रहे हरजाई और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था आप लोगों का। उसके बाद जो आप लोगों ने प्यार दिया मुझे हरजाई के जरिए जो हिम्मत दिया आप लोगों ने मुझे, मैं उसी हिम्मत को बरकरार रखते हुए आप लोगों के लिए फिर से लाया हूँ हरजाई पार्ट 2 जो बहुत ही जल्द आ रहा है आप लोगों के बीच। और मैं ये उम्मीद करूँगा आप लोगों से कि आप लोग जितना प्यार मुझे हरजाई में दिया था तो हरजाई 2 के लिए भी आप लोग वही आशीर्वाद वही प्यार बनाए रखे। बहुत अच्छा गाना है, ये वही कंपनी जिस कंपनी ने हरजाई की थी म्यूज़िक कंपनी साई रिकॉर्ड्स डिजिटल ने, वही टीम है मेरे साथ जिसे म्यूज़िक अपने म्यूज़िक दिए हैं दामोदर राव जी ने। दामोदर सर बहुत ही अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र हैं जिनका हमेशा सपोर्ट मिला है मुझे और मैं अक्सर उनके बनाए हुए ट्यून पे मैं अक्सर निभाया हूँ अच्छे से। तो हमारे साथ वही हरजाई की टीम है, जैसे कि लिरिक्स तो मैंने खुद लिखे हैं उसमें रैप भी मैंने खुद किया है और हमारे साथ हैं हमारे बड़े भाई गुरु समान गुरुतुल्य आदमी दामोदर राव जी जिनके काफ़ी अच्छे ट्यून्स होते हैं काफ़ी अच्छे धुन होते हैं। जैसे हरजाई में उनके धुनों को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था तो वैसे भी इसमें भी उन्होंने मेलोडियस टाइप का धुन बनाया है। और जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया था हरजाई का वो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पसंद किया, इसका हम आप लोगों का कर्ज़दार हो गए। और उम्मीद नहीं थी मुझे कि जिस तरह भोजपुरी में माहौल चल रही है आजकल या उस समय चल रही थी, अभी थोड़ा कम हुआ है, कि लोग सोचते थे कि यार ये इस टाइप के गाने ही भोजपुरी में होते हैं अच्छे होते हैं। तो मतलब फिर भी उस समय हमने हिम्मत किया था कि नहीं मैं मुझे प्रूव करना है कि अच्छे गाने भी बनते हैं। तो मैंने उस समय हरजाई का कॉन्सेप्ट लिया था जबकि हरजाई मेरा जब हो रहा था तो काफ़ी लोग बोलते थे कि यार ये इतना हटके है नहीं चलेगा। तो मुझे उम्मीद थी आप लोगों से कि नहीं अच्छे ऑडियंस हैं अच्छी चीज़ें बनती हैं भोजपुरी के लिए। सो हमने ये हिम्मत की थी और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हरजाई को। आज जब भी मैं कहीं जाता हूँ आई थिंक तो जब हरजाई बजते हुए रोड पे सुनाई देता है तो मुझे बहुत ही मतलब प्राउड फील होता है कि आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया। सो आप लोग अपना प्यार बनाए रहें और आप लोग सुनना ना भूलें हरजाई पार्ट 2 जितना हो सके आप लोग शेयर करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरजाई 2 में मुझे सब लोगों का पूरी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का मुझे सपोर्ट मिला है।